सब बड़ा अधिकारी हो गया आजकल। देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात है कि राहुल गांधी झारखंड को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पुलिस कस्टडी में चार दिनों तक बेरहमी से उस युवक को मारा गया। राहुल जी, अपने सामान्य ज्ञान को ठीक कर लें। वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि जुडिशियल कस्टडी में था। अदालत के आदेश के बाद वो जेल गया था। सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये घटना आई, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 पुलिस अफसरों को निलंबित किया जा चुका है और लगातार छापेमारी हो रही है, SIT का गठन हुआ है। लेकिन राहुल जी, जब ममता बनर्जी जय श्री राम कहने वाले लोगों को गोलियां मारती हैं पश्चिम बंगाल में, उस समय आपके आंसू कहाँ चले जाते हैं? राजनीति में ऐसा दोहरा चरित्र शोभा नहीं देता। कल ब्लैक डे मनाने का इन लोगों ने आह्वान किया है, उलेमा लोगों ने, इस पर क्या कहें? देखिए, ये बहुत ही गलत बात है, इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करना, किसी धर्म विशेष से जोड़ना। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। अब आप पूरे मामले को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीजियस लाइंस पे आप इस पे राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो गुजारिश करूंगा उन लोगों से कि ऐसे कॉल को वापस लें, इस तरीके से सांप्रदायिक स्तर पर इन मुद्दों का राजनीतिकरण ना करें। जिस तरह से उलेमा लोग अब सामने आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि इस मुद्दे पे सरकार अपना कार्य कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग निलंबित हो रहे हैं। उसके बाद अगर उलेमा सामने आकर इस तरीके से पूरे माहौल को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करेंगे तो हम इसकी गहरी निंदा करते हैं और मानते हैं कि इसे एक वारदात के रूप में देखना चाहिए। लिंचिंग या कोई भी इस तरह की घटना होती है, उसको सांप्रदायिक रंग देना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो उलेमाओं से दरखास्त करूंगा कि ऐसे कॉल में वो ना आए और ऐसे कॉल को विड्रॉ करें और इसमें राजनीति ना होने दें।